देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आई शुरुआत करते हैं खबर दिन भर की खास खबरों के साथ। झालपुर उपखंड क्षेत्र के आमदा ग्राम के निकट माधवपुरिया ग्राम में अज्ञात लोगों ने फायरिंग करते हुए दो लोगों को गोली मार दी, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर शंकरगढ़ थाना प्रभारी विक्रम सेवायत महेश जाप्ते मौके पर पहुंचे और हमलावरों की तलाश शुरू की। पुलिस उप अधीक्षक सतादान सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बताया कि हमलावर अमरगढ़ की ओर से आए और रास्ते में चल रहे सोनू वैष्णव और कुछ दूरी पर लाला राम गुर्जर को गोली मारकर नदी की तरफ बाइक लेकर फरार हो गए, जहां दोनों को नदी की ओर जाता देख कर ग्रामीणों ने उनका पीछा किया, जहां उन हमलावरों ने बाइक छोड़ रही नदी के आसपास गुम हो गए, जहां नदी के पास बने भीड़ों और नदी के अंदर पुलिस उप अधीक्षक और पुलिस के सशस्त्र जवानों की टीम हमलावरों की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने हमलावरों की बिना नंबरी बाइक बरामद कर ली है और हमलावरों की तलाश जारी है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। भीलवाड़ा में कल मेथोडिस्ट चर्च के 29वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय आत्मिक सम्मेलन शुरू हुआ। चर्च सोसाइटी की सोशल कमेटी के चेयरमैन गुडविन मसीह ने बताया कि सम्मेलन का शुभारंभ चर्च फादर परमजीत माइकल की प्रार्थना से शुरू किया गया। प्रथम दिन अजमेर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट अजय फिलिप द्वारा पवित्र बाइबल में से फिलिपिया की पुस्तक का दूसरा अध्याय 5 आयत से 11 अध्याय तक प्रवचन दिया गया। इस अवसर पर माकड़ा देव मेथोडिस्ट चर्च के उदयपुर फादर प्रिंस थॉमस और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। चर्च के सदस्य द्वारा प्रभु यीशु मसीह के भजनों की भी स्तुति प्रस्तुत की गई। विश्व स्मरण दिवस के अवसर पर रविवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के प्रति लोगों में जन जागृति पैदा करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन से सूचना केंद्र तक कैंडल मार्च निकाला गया, जहां इसके पश्चात दुर्घटनाओं में मृतकों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। संदीप बजाज मोटर्स की ओर से हेलमेट वितरित किए गए और कैंडल मार्च को जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने रवाना किया और खुद भी कैंडल मार्च में सम्मिलित हुए। कैंडल मार्च में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर नरेंद्र जैन, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़, स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं सहित विभिन्न संस्थाओं के सदस्य और पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सूचना केंद्र चौराहे पर दुर्घटनाओं में मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि सभा में आयोजित कार्यक्रम में सुमन सोनी और नरेंद्र दादीच ने सड़क दुर्घटनाओं से बचने की प्रेरणा पर आधारित अपनी काव्य कृति प्रस्तुत की। मंच संचालन कुणाल ओझा ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मात्र लापरवाही एवं जागरूकता की कमी के कारण दुर्घटनाएं होती है, जिनके परिणाम स्वरूप मृतक के परिवार वाले अत्यधिक शोक और गम के अलावा पारिवारिक दृष्टि से भी परेशानियां झेलते हैं। इसके लिए सभी चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करना चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा MBC आरक्षण कोटे से मुस्लिम वर्ग को शामिल करने के सर्वे से राजस्थान के गुर्जर, रायकर, रेवारी, बंजारा, गाड़िया, लोहार जातियों में रोष है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से MBC वर्ग निवेदन करता है कि अगर MBC वर्ग में अन्य जाति को जोड़ा जाता है तो पूरे राजस्थान का MBC समाज सड़कों पर उतरेगा। और इस दौरान ज्ञापन में सूचित किया गया कि अगर 7 दिन के अंदर राजस्थान सरकार अपना स्पष्टीकरण नहीं देती है तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। इस दौरान MBC वर्ग ने अपने अधिकारों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करने देने की बात कही। श्री देवनारायण गुरुकुल योजना का बजट बढ़ाकर MBC वर्ग को निरंतर लाभ देने का कार्य किया जाए। यह ज्ञापन बस्सी उप जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन दिया गया। इस दौरान घनश्याम गुर्जर, लक्ष्मीनारायण तुंगी, कृष्ण कुमार गुर्जर और बस्सी गुर्जर आरक्षण समिति संयोजक जयपुर बस्सी घनश्याम सिंह, जीतू लांगड़ी बस्सी ब्लॉक अध्यक्ष, विकास गुर्जर ब्लॉक बस्सी उपाध्यक्ष सभी मौजूद रहे। बस्सी तहसील में MBC वर्ग के साथ राजस्थान सरकार की तरफ से जो अजमेर के मुसलमान भाइयों को जो सम्मिलित करने का जो पैतरा तैयार किया है, उनका सर्वे शुरू किया है, उसके विरोध में हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया है। साथ में सभी युवा भाई पधारे, रामकिशन जी नेताजी बैनाड़ा यहाँ पे मौजूद है, लक्ष्मीनारायण जी नेताजी है, जीतू जी लांगड़ी, भाई विकास जी, रमन जी, घनश्याम जी, सभी युवा यहाँ आए, इनका तहे दिल से धन्यवाद। आज SDM साहब को बस्सी विधानसभा की तरफ से MBC समाज की तरफ से ज्ञापन दिया गया, क्योंकि राज्य सरकार MBC समाज के दूसरी समाजों को मिलाने का काम कर रही है। इनसे निवेदन है इस बस्सी विधानसभा की MBC समाज की तरफ से कि पहले तो हमें दूसरी कास्टों से लड़ाने का काम किया, अब हमें हमारे दूसरे धर्म से लड़ाने का काम नहीं करे। सरकार 7 दिन का परसों के रोज आदरणीय श्री कर्नल साहब के घर पर आपात मीटिंग बुलाई गई थी,
उस मीटिंग में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि 7 दिन के अंदर सरकार इसका स्पष्टीकरण दे, अन्यथा 7 दिन के अंदर एमबीसी समाज राजस्थान का पूर्व की तरह आंदोलन।